साहब, मेरे पास दिल्ली आने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया पुरस्कार डाक से भेज दीजिए। ये शब्द पद्मश्री पुरस्कार विजेता हल्दर नाग के हैं। हल्दर नाग को 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। उस दौरान उनके पास 3 जोड़ी कपड़े, एक टूटी हुई रबड़ की चप्पल, एक चश्मा और 732 रुपये नकद थे। यही उनकी सारी पूंजी थी। हल्दर नाग का जन्म 31 मार्च 1950 में उड़ीसा के बरगढ़ जिले में हुआ। वे बहुत ही गरीब परिवार से हैं। 3री कक्षा में जब वे पढ़ रहे थे तो उनके पिता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उन्होंने होटल में बर्तन धोने का काम किया। बाद में एक सज्जन व्यक्ति ने उन्हें स्कूल में खाना बनाने का काम दिया। 16 साल तक इस काम को करने के बाद उन्होंने एक बैंकर से मिलकर 1000 रुपये बैंक से लोन लिए और स्कूल के पास स्टेशनरी की दुकान खोलकर उसी से अपना गुजारा भत्ता करने लगे। स्टेशनरी की दुकान चलाने के दौरान वे कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। उन्होंने अपने लिखने के शौक को मरने नहीं दिया। 1990 में उन्होंने अपनी पहली कविता कोशली भाषा में धोरो बरगस एक स्थानीय पत्रिका में छपने को दी। इसके साथ 4 और कविताएं भी छपने के लिए दी, जिसे लोगों ने खूब सराहा। हालांकि अभी भी उन्हें जिस मुकाम तक पहुंचना था वो बाकी था। कहा जाता है कि 1995 में राम सवारी जैसे धार्मिक पुस्तकें लिखकर वे लोगों को जागरूक करते रहे। पहले तो लोगों को उन्होंने अपनी कविताएं जबरदस्ती सुनाई। 2016 आते आते उनकी कविताएं पूरे देश में लोकप्रियता के आसमान पर पहुंच गई। उनके द्वारा लिखे साहित्य पर तमाम छात्र PhD कर रहे हैं। हल्दर नाग ने अपनी रचनाओं से साहित्य जगत को समृद्ध किया है। उड़ीसा की संबलपुरी कौशली भाषा में हल्दर नाग द्वारा लिखी गई कविताएं काफी प्रसिद्ध हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक जो भी काव्य रचनाएं उन्होंने की, लगभग सभी कविताएं उन्हें जुबानी याद हैं। उन्हें साल 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब सम्मान के लिए उनके नाम की घोषणा हुई और उन्हें इस बात की जानकारी दी गई, तो उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखकर बताया कि उनके पास दिल्ली आने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए पद्मश्री पुरस्कार को डाक के जरिए भेज दिया जाए। हल्दर नाग अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक सुधार का लोगों को संदेश देते रहते हैं। वे ओडिशा में लोक कवि रतन के नाम से मशहूर हैं। हालांकि बाद में किसी तरह जब वे पद्मश्री पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली पहुंचे तो राष्ट्रपति भवन में उन्हें देखकर हर कोई अचंभित था। हल्दर नाग नंगे पैर सफेद धोती और गमछा पहने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।